नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकुड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, अवैध खनन कर परिवहन करते दो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ाए। बानमोर पुलिस ने की आज कार्यवाही। वन विभाग की जमीन से अवैध खनन कर लाया जा रहे थे बड़े बड़े पत्थर। पुलिस ने फूलपुर फाटक पर दबिश देकर पकड़े वाहन, दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली तथा पत्थर किए जब्त। चोरी व खनिज अधिनियम के तहत मामला किया दर्ज। पुलिस ने दोनों वाहनों के चालकों को चोरी के मामले में किया गिरफ्तार। वाहन व पत्थर की कीमत 12,50,000 रुपए है अनुमानित। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुरैना से विष्णु पंडित की रिपोर्ट। सर, आज अवैध खनन को लेकर के कार्रवाई की गई है पत्थर माफिया, क्या मामला है? हाँ, ये रात्रि में दस्त के दौरान मुखपत्र द्वारा सूचना मिली थी कि अवैध खनन ब्लॉक पत्थरों के हो रहे हैं, जो कि बामौर से होते हुए फैक्ट्री एरिया तरफ जाते हैं जी। तो मुख्य सूचना पर विश्वास कर हम लोगों ने नगर पालिका के पास चेकिंग लगाई जी। तो चेकिंग के दौरान दो ट्रैक्टर जिनमें ब्लॉक पत्थर भरे हुए थे, जिनको घेराबंदी कर रोक कर पूछताछ की, तो दोनों ड्राइवरों के पास ब्लॉक पत्थरों के कोई वैध दस्तावेज या नौकरी नहीं पाई गई जी। तो जिस कारण उन दोनों ट्रैक्टरों को मौके पर जब्त कर और उनके खिलाफ चोरी और खनिज अधिनियमों के तहत कार्रवाई की। ये आरोपी कहाँ के हैं? ये दोनों आरोपी ग्राम। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पांडुरना से। मांगरोली की जांच, दिल्ली से आया आवेदन। इस पत्र में 45 दिनों में जांच की जाकर इसका निराकरण कर भारत सरकार पंचायती राज के श्री संजय कुमार उपाध्याय अपर सचिव भारत सरकार नई दिल्ली ने मांगा जवाब। ग्राम पंचायत मांगुरली में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J1 2J3 के तहत RTI कार्यकर्ता तेजस सुरजू से हाफिज खान दीपेश तहकित द्वारा तेजस के साथ मिलकर मांगरोली में कुछ कार्यों का निरीक्षण किया था, जिसमें भ्रष्टाचार होने के आरोप तेजस ने लगाए और इसकी शिकायत दिनांक 23 जून 2021 दिन बुधवार को जनपद पंचायत पांडुरना एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में इसकी शिकायत दी, जिस पर भी कार्यवाही समय सीमा में नहीं करने पर इन अधिकारियों की शिकायत भी CM हेल्पलाइन में दी, जहाँ से भी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होते देख इसकी शिकायत श्री संजय कुमार उपाध्याय अपर सचिव भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय जीवन प्रकाश बिल्डिंग कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली को दी, जहां से उनके द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल को दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को यह शिकायत जांच में देकर उन्हें 45 दिनों के भीतर इस शिकायत की जांच होनी चाहिए। छिंदवाड़ा पांडुरना सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।